फाइनल टॉर्च पर हम पहुंच चुके हैं। हरियाली में बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ऊपर आ चुके हैं, टॉर्च का नज़ारा कुछ इस तरह से है। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है यार, रियली में। थोड़ी देर में बैठूंगी फिर। यहाँ पर ना कोई राजा है ना कोई महाराजा, यहाँ पर अभी हम हैं जो हमें सारी चीज़ें देखने के लिए आए हुए, और बस ये देखना है पहले के ज़माने में कैसी कैसी चीज़ें थी। पर है बहुत सुंदर, थोड़ा बहुत रिनोवेशन इन लोगों ने किया होगा, एक गाइड है जो इनको समझा रहा है। हमारे सारे लोग फैमिली है जो पता नहीं उस तरफ गई है। कैसा लगा? कैसा लग रहा है? बहुत एंजॉय किया नहीं है? थकान बाकी है, खाना बाकी, अभी भूख लग रही है बहुत जोरे तो जोरों से। 1:10 हो चुकी है। जी आजी बोल रहे हैं यहाँ पे पहले घोड़े रखते थे, अब गधे आ रहे हैं। और आप यहाँ पे निकल गए? अच्छा लो बोलो। हम जा रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर, बस हम उतर चुके हैं, उतरने के जस्ट पास में ही भोलेनाथ का मंदिर हम दर्शन करते हैं। ये आपने वीडियो में देख लिया, अगर ग्रुप होता है वो एक जैसे कपड़े पहनते तो अच्छे भी लगते हैं। भोलेनाथ का मंदिर एक्सट नीचे उतर चुके हैं, अब नादिल पानी पी लिए, महादेव के मंदिर जाके आ गए। और यहाँ पे बसा हुआ है गांव, यहाँ से एकदम से ऐसे स्मेल आ रही है गोबर की, ये पूरा मतलब गोबर हो गया। यहाँ के जो वर्कर है ये सारे यहाँ पे करते हैं। फ्रेंड्स हम प्रॉपर नीचे उतर रहे हैं, अब यहाँ कुमलगढ़ को बाय बाय बोल रहे हैं और व्यू देख लो, और यहाँ से इतना चढ़ के जाना है हमें। तो फ्रेंड्स हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, घड़ी में बज के 2:10। अब हम जा रहे हैं कहीं, पहले खाना खाएंगे फिर कहाँ पे जाना है वो जिया जी को पता है, हमें नहीं पता, वो जहाँ ले जाएंगे वहाँ हमें जाना है। आज पूरे दिन घूमे, कल फिर हम जा रहे हैं रिटर्न में। हाँ हाँ, आबाजू दबाओ, आबाजू दबाओ, हाँ जवा दो, जवा दो, जवा दो, जवा दो, निकालो निकालो, चढ़ाई दो, जवा दो, चाले बस थी। थाली लग चुकी है, खाना खा रहे हैं अब। घड़ी में 3:30 बज चुके हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना, चक्कर भी आ रहे हैं। देखो खाना सर्व कर रहा है क्योंकि सारे को बहुत लग रही भूख, ऐसा प्रेम है। उमलगढ़ घूमने की बहुत मजा आई, बहुत एंजॉय किया। सेव टमाटर की सब्जी मंगाई है हमने, पनीर की सब्जी मंगाई है, तंदूरी रोटी बनाई मंगाई है, वेज पुलाव मंगाया है। चलो खाओ। फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है, और खाना कैसा था? बहुत अच्छा था, टेस्टी था। और बिल कितना बना? 3,000 का। 3,000 ऐसे उड़ा दिए हमने खाना खा के। चलो खाना कैसा था? सब लगा। खाना कैसा था? बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। जीजू हमारे साली जी को पूछो, हम तुमको दिखाते हैं, हम पेट भर के निकले हैं। खाना कैसा था? अरे हमने ज्यादा दबाया, तुम लोग ने तो 2-2 रोटी खाई, हम लोग ने तो पूरा वसूल किया। मतलब हम जीने के लिए, मेरा पेट देख लो और मेरी साली का पेट देख लो, किसका पेट ज्यादा है, फिर भी भूख हमारे में है, इसके अंदर काम है, इसका मतलब ये कमजोर भी है। ये तो दिया इन्हें, दिवाली चले चले मैं भूल जावा, मुझे दिवाली के 500 रुपए दे रहे हैं। ओह माय गॉड, इस बात तो गले लग जा।
यहाँ की एक बात बहुत अच्छी होती है, हम गुजरात में किसी के साथ बात करते करते हिचकिचाते हैं जब हम किसी को नहीं जानते। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी से भी मस्ती कर सकते हो, बात कर सकते हो, इतना प्यार प्रेम होता है। और कुछ ही कैसे भी आप पैसे जैसे कि कम करवाने हैं तो बंदा मान भी जाता है, पैसा कम भी कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा जैसे कि हम उनको पहचानते हैं वैसा वाला प्रेम है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आ गए थे सारे बच्चे यहाँ पे मुझे देने के लिए बोर्ड, तो मुझे नहीं खाने थे पर फिर भी ये लोग बेचारे खेत में तोड़ते हैं करते हैं, फिर भी मैंने इन लोगों से बोर ले लिए। और लोग मुझे देखकर ऐसे ऐसे उंगली कर रहे थे कि आप सुंदर लग रहे हो ऐसे। और फिर ये हम आपको मतलब कुमलगढ़ का व्यू बताता। एंट्री हो चुकी है उदयपुर के अंदर प्रॉपर, और हम कहाँ जा रहे हैं? फतेह सागर। यहाँ पे फतेह सागर है, अभी हम घर नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे फतेह सागर। थोड़ा बहुत बीच में झील है और आसपास में ऐसा घूमने का है, वो घूम के आएंगे। ये देखो यहाँ का डेकोरेशन बहुत जोरदार है, राजस्थान का। यहाँ पे लाइटिंग बहुत करते हैं, रोड को सजा रहे यार। तो हम इतना था कि हम रिटर्न ही वापस आ चुके हैं, नहीं गए हम फतेह सागर। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे से चीजें हैं। दे दो ऐसे। हम आ चुके हैं, मेरे बहन का लड़का देखो कितना छोटा है, और यहाँ राजस्थान में छोटे बच्चे भी गाड़ी चला सकते हैं ऐसा है, कोई पुलिस वाला पकड़ता नहीं कुछ नहीं। और ये मुझे लेकर आ चुका है ऐसे ही घुमाने के लिए, बोले काला दूध। और तू कहाँ ले जाए, सुबह तो ले जाना ही वहाँ पे। अरे नहीं बेटा, बहुत ठंड लग रही है मुझे, रियली में ठंड लग रही है, बहुत ठंड चल रही है यहाँ पे। और मैं सेटल और इतनी दूर लेकर आ चुका है ठंडी के अंदर। ये डेकोरेशन देखो यहाँ का, बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का। और मैंने कुछ चीज़ें खरीदी है राजस्थान की, जो मैं दिखाऊंगी फिर घर आके, अगर मुझे मतलब मैं बताऊंगी आपको ब्लॉग के अंदर। अरे भाई तू ठंडी लग रही है, इतनी हवा चल रही है, और मैं स्वेटर भी नहीं लेकर आई, भूल गई वहाँ पे घर पे। रात का नज़ारा, ये दूध तलाई है, और यहाँ ऊपर है करणी माता का मंदिर, तो मुझे बहुत सालों से वहाँ जाना है और बहुत इच्छा है कितने सालों से मेरी। और ये देखो दूध तलाई, उदयपुर की दूध तलाई, यहाँ घूमने के लिए लोग बहुत आते हैं। करणी माता का मंदिर, और यहाँ पे रोप पे भी है, वो ऊपर लाइट जल रही है, तू गाड़ी चला, ऊपर लाइट जल रही है, वहाँ जाना है। और ऐसे 500 सीढ़ियाँ हैं, पर मैं नहीं चढ़ूंगी, मैं रोप पे से जाऊंगी। फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आ चुकी हूँ बाजार में घूमने के लिए। मीठी सुपारी है क्या भैया? मीठी सुपारी है नहीं है क्या? हम आ चुके हैं यहाँ बाजारों के अंदर, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही यहाँ पे, कितने प्यारे प्यारे सी चीज़ें लटक रही यहाँ पे, तोरण वगैरह ये। देख वहाँ पे कितना बहुत महंगी है, भांजे के पीछे बैठ के घूमने की मजा ही कुछ और है, सारी जगह पे ले जा रहा है, कितना छोटू सा है ये, उतरेगा तब मैं आपको बताऊंगी। अभी ये 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, सारी जगह पे घुमाने के लिए लेकर आ चुका है मुझे, वही घर ले लेना। अब आ भी गया, कौन सी गली? सब गली अपनी है, देखो राजस्थान में इतनी छोटी छोटी सी गली होती है। और मुझे राजस्थान बहुत 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 पसंद है, बहुत पसंद है।
सारी चीजें थी, हमने मस्ती की, खाना खाया, फिर इंजॉय किया, सारी फैमिली बैठ के रूमों में बहुत मस्ती की बातें की, पर हम आपको शूट नहीं कर पाए क्योंकि बस मस्ती इतनी थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।